इस जगह पर अमजद खान के पोस्टर लगे हुए थे, जिंदा या मुर्दा। तो इस कुएं को आप देखोगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, फिल्म के अंदर दिखाया जाता है जब अमजद खान अपने ग्राउंड में, ये जो कुआं दिख रहा है इस कुएं को दिखाया जाता है, ये वाला कुआं। तो अनिल कपूर जी अपना गम बुलाते हैं इन पट्टियों के ऊपर चल। दोस्तों अभी जिस जगह पर मैं हूँ तो ये आप लोगों को एक आम जगह लगेगी, और है भी एक आम सी ही जगह है, आप लोग बोल सकते हैं ज़्यादा खास जगह नहीं है। पर ये जो जगह है, इस जगह ने अपना नाम बहुत कमाया है फिल्मों के ज़रिए से। इस जगह पर काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे बंजारा, इतिहास, ऐलाने जंग, हीर रांझा और धर्मकांटा। तो इस जगह का नाम है चाकसू, और ये जयपुर से करीब 40 किलोमीटर के समथिंग दूर है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सन 1982 में एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना जी की, राजकुमार जी की और अमजद खान जी की, जिसका नाम है धर्मकांटा। उसके अंदर कुछ सीन फिल्माए जाते हैं, तो वो चाकसू के हैं, जैसे कि अमजद खान जी के पोस्टर लगाए जाते हैं जिंदा या मुर्दा के, और कारतूसों का व्यापार किया जाता है। दोस्तों मेरा नाम मनीष है, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। अगर आप लोग इन दोनों जगह पर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, चाकसू जगह है जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, और ये जयपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आप लोगों को शीतला माता का मंदिर मिलेगा देखने के लिए। चलिए यहाँ का जो नज़ारा है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो यहाँ का आसपास का नज़ारा है, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी धर्मशाला बनी दिखाई देगी, और वहाँ पर है शीतला माता का मंदिर, और इधर आप लोगों को हर समाज की धर्मशाला बनी हुई मिलेगी, और यहाँ पर धर्मशालाओं का तो एक जाल सा बन चुका है। और जब फिल्म बनी थी तो यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से एक दो धर्मशाला ही थी यहाँ पर। दोस्तों आप लोगों को जो ये सामने कुआं दिख रहा है, इस कुएं को फिल्म के अंदर दिखाया गया है, और मैं बता देता हूँ, पहले आपको जो ये रास्ता दिख रही है जहाँ पे कुत्ता घूम रहा है, तो ये पहले रोड हुआ करती थी, कच्ची रोड, और अभी यहाँ पर ये जो धर्मशाला बन गई है, काफ़ी बिल्डिंग यहाँ पर बन गई हैं, तो कुछ समझ नहीं आता है। और मुझे भी काफ़ी खोजने के बाद में इस कुएं को मैं देख रहा हूँ। तो इस कुएं को आप देखोगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, फिल्म के अंदर दिखाया जाता है जब अमजद खान अपने जो टीम के लोग होते हैं उनके साथ में आता है, तो कुएं को दिखाया जाता है। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बदलाव मिलेंगे, कुआं तो बिल्कुल वही है, पर यहाँ पर आसपास के जो बिल्डिंग है वो देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। और चलिए इस कुएं को हम लोग देखते हैं एक बार। देखो इस कुएं के ऊपर मुड्डी लगी हुई थी, तो ये छोटी छोटी सी मुड्डी लगी हुई थी यहाँ पर, ये वाली, तो ये मुड्डी टूट गई है, इनके अंदर मटकी के अंदर कुछ भर के मुड्डी बनाई गई थी, और इसके ऊपर चकली भी लगी हुई थी यहाँ पर। और अगर आप देखोगे इस कुएं को तो आप लोगों को दिखेगा ये काफ़ी गहरा है, और इसके अंदर अभी पानी है और कबूतर है इसके अंदर। तो और ये देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट में, ये जो बनावट है, ये बनावट आप लोगों को दिखेगी, धर्मकांटा मूवी का मैं आप लोगों को सीन दिखा रहा हूँ। ये अभी टूट के गिरने लगे, काफ़ी पुराना है कुआं, करीब 40 साल के समथिंग, 39 साल तो मूवी को ही बने हो गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगली लोकेशन पर, जहाँ पर वो घोड़े के साथ में आते हैं भागकर, और फिर वो उसके नाम के पोस्टर लगे रहते हैं, और वो कारतूस लेता है ना, एक बुढ़े आदमी से कारतूस लेता है। तो चलें इस लोकेशन पर चलते हैं। और दोस्तों अगले सीन की मैं आप लोगों से बात करूँ, तो आप लोगों को ये एक लोहे का गेट दिख रहा है, और पीछे आप लोगों की ये तीन गेट दिख रहे हैं, बिना गेट वाले, पट्टी वाले गेट दिख रहे हैं। तो यहाँ से फिल्माया जाता है, मैं थोड़ा नीचे बैठ जाता हूँ, तो ये वाला गेट दिख रहा है। तो इधर से अमजद खान अपने जो ग्रुप होता है उसके साथ में भाग कराते हैं, तो पीछे बैकग्राउंड में ये दिखाई जाता है, ये वाला, करीब 40 साल के लगभग फिल्म को बने हो गए हैं, तो अभी भी ये जगह ऐसी है, बस यहाँ पर थोड़े से बदलाव हुए हैं, जैसे कलर वलर बदल गया है। और उसके बाद में एक सीन ऐसा आता है जब वो भाग के जाते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप स्क्रीनशॉट में मैच करना। देखो एक तो ये जो दीवार आप लोगों को दिख रही है, ये सफ़ेद सी दीवार जिसके अंदर लोहे के सरिये लगे हुए हैं, तो
इस दीवार को दिखाया जाता है और इसके पास में ही कुछ लोग मटके वटके लेकर यहाँ पे बैठे रहते हैं, मटके वटके रखे होते हैं। और आपको ये वाली जो जगह है, ये वाली, यहाँ पे भी बर्तन वगैरह रखे रहते हैं जब वो लोग भाग कर जाते हैं, और वो लोग ऐसे निकल जाते हैं। और अगली लोकेशन की बात मैं करूँ आप लोगों से, तो हम लोग नीचे चलते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो लोकेशन है जांगण ब्राह्मण समाज धर्मशाला शीतल माता चाकसू के सामने सामने है। और ये वाली जो जगह दिख रही है आप लोगों को, ये वाली, इस जगह पर वो सीन फिल्माए जाते हैं जब अमजद खान के पोस्टर लगे होते हैं। ये वाली आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो, पूरा देख सकते हो। इस जगह पर अमजद खान के पोस्टर लगे हुए थे, जिंदा या मुर्दा वाले। और इसके ऊपर एक अभी एक और धर्मशाला बन गई है, और पीछे से चाकसू माता का मंदिर भी दिखता है। और अभी क्या है कि ये धर्मशाला बनने की वजह से मंदिर नहीं दिख रहा, पर उसके आपको उसके झंडे दिख रहे होंगे, ऊपर झंडी लगी हुई है। तो आप स्क्रीनशॉट में इस जगह को देखिए, और हम लोग चलते हैं अगली लोकेशन पर, और अगली लोकेशन आप लोगों को हम दिखाते हैं। दोस्तों, ये है शीतला माता मंदिर का जो मुख्य द्वार है, और अभी यहाँ के सीन है जो मैं आपको मैच कराता हूँ। आप ये जो बिजली का पोल देख रहे हो, यहाँ पर कुछ बर्तन भांडे से रखे हुए थे, और यहाँ पर एक दुकान भी लगी हुई थी। और इसके जो पास में ये जो धर्मशाला है, इस धर्मशाला में भी कुछ दुकानें लगी हुई थी। और अभी बस थोड़े से यहाँ पे बदलाव हो गए हैं, जैसे कि ये जो धर्मशाला है, इसके जो पिलर दिख रहे हैं आप लोगों को, इस पिलर के जो दूसरी साइड है, यहाँ पर कुछ एक शायद प्याऊ या एक कमरा सा बना दिया गया है। और इसी जगह पर वो सीन फिल्माया जाता है, वो डायलॉग फिल्माया जाता है जब डाकू ज्वाला सिंह अपने टीम के साथ में यहाँ पे आता, तो एक बुढ़ा आदमी ऊपर सीढ़ियों से उतर के नीचे आता है, और वो बोलता है कि ठाकुर दे माता तुम्हें इतनी शक्ति दे कि हम तुम्हारी शक्ति की भक्ति कर सकें। वो डायलॉग इधर फिल्माया जाता है। फिर वो जो आदमी आता है वो कारतूस लेकर आता है ऊपर से। तो मैं आप लोगों को सीढ़ियाँ दिखा देता हूँ जिन सीढ़ियों से उतर के आता है। तो ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये ऊपर से घूमती हैं, थोड़े बदलाव हो गए हैं, तो क्योंकि 40 साल के समथिंग फिल्म को बने हो गए, तो ये सीढ़ियाँ आप मैच कर सकते हो स्क्रीनशॉट में। और अभी भी यहाँ पर ये जो जैसी ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, तो ये पट्टियाँ आप मैच कर सकते हो इस साइड में। और यहाँ पर ये रेलिंग लगा दी गई है इन सीढ़ियों के ऊपर। बाकी सीन यहीं का है, इन सीढ़ियों से ही वो बुजुर्ग आदमी उतर के नीचे आता है, और इसके सामने एक धर्मशाला और बनी है यहाँ पर, और टीन सेट लगा हुआ है। इसी जगह का सारा सीन फिल्माया जाता है। और दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हीर रांझा मूवी की शूटिंग लोकेशन धर्मकांटा वाली वीडियो के अंदर ही। अनिल कपूर जी की जो हीर रांझा मूवी थी, उसके कुछ सीन भी यहीं चाकसू के ही लिए गए हैं, तो मैं आप लोगों को वो वाले सीन दिखा देता हूं। दोस्तों, अब आप लोग देख रहे हैं हीर रांझा मूवी की शूटिंग लोकेशन। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मूवी के अंदर एक सीन आता है जब अनिल कपूर जी एक हाथ में शायद एक लोटा सा होता है, लुटिया सी होती है, उसको लेकर आते हैं, और वो काले कपड़े पहनकर रहते हैं। तो आप लोगों को बैकग्राउंड में ये जो कुआं दिख रहा है, इस कुएं को दिखाया जाता है, ये वाला कुआं। और अभी वक्त के चलते हुए यहाँ पर क्या है, थोड़े बदलाव हो गए हैं, पर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में पूरा पूरा मैच कराने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप लोग ये जो सीढ़ी दिख रही है आप लोगों को, ये जो इस बिल्डिंग के छोटी सी बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये सीढ़ी जाती हैं, चार सीढ़ी ये दिखाई देती हैं। और ये रोड है जो अभी थोड़ी क्या है कि ऊंची हो गई, पहले यहाँ पे कच्चा रास्ता था, और अभी आप लोगों को ये दिखेगी ये वाली जो ये सपोर्ट लगा रखी हैं, इस दीवार के पास में सपोर्ट लगा रखी हैं। तो बाकी जो यहाँ पर सपोर्ट थी वो दब गई हैं मिट्टी से, और यहाँ पर आप लोगों को तीन सपोर्ट दिखेंगी। ये अभी भी इस दीवार को रोकने के लिए सपोर्ट लगी हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो। और जो ये वाली बिल्डिंग है, इस पे यहाँ पर ये पहले बाउंड्री नहीं थी, तो यहाँ पे ये चबूतरा था, तो इस चबूतरे पे कुछ चार पांच लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। और तो चलिए हम लोग चलते हैं हीर रांझा मूवी की अगली शूटिंग लोकेशन पर। दोस्तों, अभी हम लोग उस लोकेशन पर चल रहे हैं जो हीर रांझा मूवी का गाना है, दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना नहीं जीना मुझे मर जाना। काफ़ी फेमस गाना है, बहुत ही, मतलब गाने को एक बार सुनते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। तो चलिए उस लोकेशन पर हम लोग चल। दोस्तों, जब गाना ख़त्म होने को आता है, दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना नहीं, तो
आप लोगों को ये जो पीछे बैग में सीढ़ी दिख रही है, इन सीढ़ियों को दिखाया जाता है थोड़ा। अभी इसमें रेलिंग लग गई है और पीछे आप लोगों को ये छतरी दिख रही है, इस पर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। इस छतरी को भी दिखाया जाता है और अभी यहाँ पे कलर कर रखा है। तो उस टाइम पे क्या था कि धूप की वजह से ये पीछे जो छतरी है ये दिखती नहीं है। तो अनिल कपूर जी गाने गाते गाते इधर आते हैं तो वो कहीं एक ही, मतलब ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं वो एक पिलर पर अपना सिर मतलब धर के गाना गाते हैं। अब इनमें से एक पिलर है वो कोई सा भी है। और अभी यहाँ पे वक्त के अनुसार चलते चलते देखो एक धर्मशाला और बना दी है। ये सामने वाली जो धर्मशाला है ये बन गई है यहाँ पर। और अभी आप लोग देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ एक नज़ारा। पहले क्या था कि यहाँ पर ये जो धर्मशालाएँ बनी हुई हैं ये एक भी धर्मशाला नहीं थी उस टाइम पर जब फिल्म बनी थी। तो आपको देखो मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, फिर नीचे भी मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को एक ये छोटी सी धर्मशाला दिखती है, इसका सीन दिखाया जाता है मूवी के अंदर। पर अभी हम लोग नीचे चलेंगे तो नीचे से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे मैं स्क्रीन शॉट लगा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा नीचे हम लोग जब दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों इन पट्टियों को भी दिखाया जाता है मूवी के अंदर जब गाना होता है दुनिया ने मेरा सब कुछ जीना नहीं। तो अनिल कपूर जी अपना गम बुलाते हैं इन पट्टियों के ऊपर चलकर। उस टाइम पर क्या था, जो ये पट्टियाँ हैं इनके अंदर दरारें थी और जब ये बन रही थी तो अभी ये जो दरारें हैं ये भर दी गई हैं चूना मिट्टी से। पर अभी भी ये जो दरारें हैं वैसी हो गई हैं। तो आप लोग सब स्क्रीनशॉट में ये सब नज़ारा देख सकते हो। ये चाकसू का नज़ारा, चाकसू शीतला माता का नज़ारा आप लोग देख रहे हो। दोस्तों अगर धूप की बात करें तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे बिखरे बालों से और मेरे चेहरे पर जो पसीने आ रहे हैं उनसे। तो काफ़ी गर्मी है और मैं आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ इस गर्मी में वीडियो बनाकर। तो वीडियो का यार लाइक ज़रूर करना, एक लाइक तो बनता है इसलिए। चलिए अगला सीन दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर रहा था इस वाली जगह की। तो आप स्क्रीनशॉट में देखोगे तो अभी मैं सामने से दिखा रहा हूँ पर इसका जो सीन लिया जाता है वो पीछे से लिया जाता है। उस टाइम पर ये जो धर्मशालाएँ ये बनी नहीं थी। अनिल कपूर जी जब आते हैं तो इधर की साइड से आते हैं तो एक सूखा सा पेड़ दिखता है। अब तो यार काफ़ी यहाँ पे बदलाव हो गए हैं। तो फिर इसको दिखाया जाता है, इसको पीछे से दिखाया जाता है। तो आप लोग सामने से देख सकते हो ये काफ़ी पुरानी एक छोटी से तिबारी बनी हुई है, किसी ने अपने नाम पर बनवाई हुई है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है। वो मिट चुका है, धुंधला हो गया है काफ़ी। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को हीर रांझा मूवी की शूटिंग लोकेशन और धर्मकांटा मूवी की शूटिंग लोकेशन का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना और आगे भी अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। और एक दो वीडियो हमारी और भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो क्योंकि यार हम लोग आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए वीडियो बनाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हो। और हालत आप देख रहे हो गर्मी में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।